हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में मोदी सरकार की ओर से आम आदमी के लिए कुछ काम की बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इसी के साथ में हम जानेंगे सोने और चांदी का ताजा भाव भी। तो फटाफट से हम सारी खबरों को जान लेते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए तो आज की पहली बड़ी खबर है, आधार कार्ड में एड्रेस बदल और बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया में सरकार ने किया बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए आधार कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। आधार में आप आसानी से अपनी जरूरी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं और इसके लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। बुधवार को सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अब आधार कार्ड में पता यानी कि एड्रेस को आसानी से बदला जा सकेगा। पहले आधार कार्ड में एड्रेस को बदलने के लिए काफी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जो लोग माइग्रेट होकर दूसरे शहर में आते हैं उनको अपना बैंक खाता खुलवाने के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ता था। और इसी बात को लेकर सरकार ने आधार कार्ड में एड्रेस को बदलवाने का जो नियम उसको काफी सरल कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड में तुरंत ही जो है पते को बदल सकता है। चलिए तो अगली बड़ी खबर है, बदलने वाला है दवा से जुड़ा ये नियम, अब एक जैसे नहीं होंगे मेडिसिन के नाम। जी हाँ दोस्तों, कई दवाइयां ऐसी होती है जिनका नाम और पैकेजिंग बिल्कुल एक जैसा होता है, जिस वजह से लोग इन दवाइयों में फर्क नहीं कर पाते हैं और इस वजह से लोग गलत दवाई भी खा लेते हैं। और इसी वजह से सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए दवा कंपनियों को अलग अलग दवाओं के लिए एक ही ब्रांड का नाम इस्तेमाल करने से रोकेगी। चलिए तो आज की बड़ी खबर है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, अब मिलेगा बोनस। जी हाँ दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, सरकार इनके लिए एक बड़ा ऐलान कर सकती है। वेज कोड ड्राफ्ट के रूल्स के प्रावधान के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी कंपनियों के द्वारा बोनस मिलेगा, सरकार जल्दी इस नियम को लागू कर सकती है। चलिए तो अगली खबर है, रेलवे में 4000 पदों पर वैकेंसी, ऐसे करना होगा आवेदन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी रेलवे में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है। साउथ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जो उम्मीदवार नौकरी की तलाश में वह नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर आगे की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जहां से आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन भर सकते हैं। चलिए तो अगली खबर है, दिल्ली में खुला ऑक्सीजन बार, 15 मिनट की सुई दवा लेने के लिए चुकाने होंगे 299 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने वीकेंड पर लोगों को एंजॉय करने के लिए बार क्लब में जाते हुए देखा होगा, लेकिन आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि राजधानी दिल्ली में इन दिनों लोग बार में सुई दवा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल वर्तमान के समय में दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वह इतना बढ़ चुका है कि लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। और इसी बात का ध्यान रखते हुए दिल्ली में ऑक्सी प्योर करके एक बार खुला है, जहां पर जाकर आप 15 मिनट के लिए 299 रुपए चुका कर जो है ऑक्सीजन वाली हवा ले सकते हैं। चलिए तो बात करें सोने चांदी के भाव की, तो 10 ग्राम सोने की कीमत में आज हुआ मामूली बदलाव, फटाफट जाने 24 कैरेट के नए रेट। जी हाँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बढ़ने के कारण सराफा बाजार में भी सोने के भाव में तेजी देखने को मिली। सराफा बाजार में सोने का भाव प्रति 10 ग्राम के अनुसार 15 रुपए उछल गया, जबकि चांदी का भाव प्रति किलोग्राम के अनुसार 50 रुपए उछल गया था। बात की जाए सोने के ताजा भाव की, तो प्रति 10 ग्राम के अनुसार सोने का भाव 38,995 रुपए पर चल रहा है, तो वहीं बात की जाए चांदी के भाव की, तो 50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद चांदी का ताजा भाव 45,760 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। चलिए तो आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा संस्कृति के वासियों का प्रमुख खेल कौन सा था, इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से प्रकाशित किए जाएंगे और भेज सकते हैं गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल टीवी लैपटॉप कंप्यूटर और इसके साथ में पेटीएम कैश भी। और हां दोस्तों, विजेताओं के नाम जल्दी प्रकाशित भी किए जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं अगली बड़ी खबरों में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।